बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से राज्यसभा चुनाव को लेकर विज्ञप्ति जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में 6 विधायक 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आई थी, लेकिन 6 के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अभी राजस्थान में राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं और उन राज्यसभा चुनावों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको जो प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा, उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में 6 विधायकों को बसपा जो है अपना विहिप पत्र जारी करती है, 6 विधायक कांग्रेस और भाजपा दोनों को वोट ना दे बल्कि निर्दलीयों को वोट दे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस और भाजपा को वोट दिया तो बसपा विधायकों द्वारा विहिप का उल्लंघन माना जाएगा। हालांकि ये विहिप पत्र कितना जारी होगा, कितना कुछ होगा, ये तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले भी विधान जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे तब दिया था लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी और विधायकों के बीच में चल रहा जो कोर्ट केस है वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त आपको बता दें कि पेंडिंग चल रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या विहिप बसपा के विधायक मानेंगे या नहीं मानेंगे। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको बता दें